स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां भारत सरकार तमाम शौचालय बनवा कर देश में स्वच्छता अभियान चला रही है, तो वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां पर अभी 100 और लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें शौचालय की आवश्यकता है। ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए अब तक 105 शौचालय बनवा दिए हैं और 100 और शौचालय की अभी कम से कम जरूरत है। मामला अमरोहा जिले के बुड़रेन गांव का है जहां पर सुनील कुमार ग्राम प्रधान हैं और इस गांव की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 5,500 के लगभग है और वोटर संख्या 1,365 है। इसके साथ ही राशन कार्ड यहां पर 346 हैं और 200 परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। तो वहीं विधवा पेंशन की अगर बात हो तो 18 लोगों को विधवा पेंशन का लाभ मिला है, तो 6 विधवाएं ऐसी भी हैं जो इस लाभ से भी अब तक वंचित हैं। ग्राम प्रधान के अनुसार उनकी ग्राम पंचायत को अभी 350 मीटर की सड़क का निर्माण भी चाहिए, तो साथ में पीने के पानी की समस्या को निपटाने के लिए पानी की टंकी का निर्माण भी कराना गांव के हित में जरूरी है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की बात किए जाने पर उन्होंने बताया कि अभी 10 का निर्माण और उनको चाहिए, तब कहीं जाकर उनके गांव में जो गरीब लोग हैं उनके सर पर छत आ पाएगी। इसके अलावा जब उनसे गांव की परिसंपत्ति के विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनके गांव में कोई भी ऐसी परिसंपत्ति नहीं है जिसके द्वारा वो धन प्राप्त करके अपने गांव के विकास में लगा सकें। मेरा नाम सुनील कुमार, ग्राम प्रधान सुनील कुमार, ग्राम पंचायत बुढ़ेना। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ और हमारी जो समस्याएं हैं ग्राम विकास को लेकर, हमारी समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ पर अभी 100 शौचालयों का और ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की भी ज़रूरत है, तथा यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर के है कि यहाँ का जो पूरे गांव का पानी है उसका कहीं को भी निकास नहीं है। कृपया जो है उसका निकास कराया जाए, उसका एक नाला बनाया जाए ताकि गांव का जो है पानी सही तरीके से बरसात का निकल सके। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में कुछ हैडपम्प सरकारी भी दूषित पानी दे रहे हैं जिसके कारण बीमारी होने की संभावना है। लोग पीते हैं तो उससे बीमार होने की संभावना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक पानी की टंकी का आयोजन किया जाए और जो है लोगों को परेशानी से बचाया जाए। दूसरी समस्या यह है कि जो हमारी मांगें हैं, हम मांग करते रहते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। और पिछली बार भी हमने अपनी बहुत सारी समस्याएं रखी, जैसे कि मानदेय को लेकर के। अब ये देखिए कि सर 3500 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जबकि एक सफाई कर्मचारी की 40,000 रुपये या 22,000 रुपये तनख्वाह है और एक जनप्रतिनिधि जो गांव का मुख्य आदमी होता है उसकी 3500 रुपये है। लिहाजा मैं संगठन से अपील करना चाहूँगा कि प्रधानों के संगठन की आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए और हमारा जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए जो जनहित में सही हो। और हमारे यहाँ पर जो है जो 2-4 छोटी मोटी समस्याएँ हैं वो भी उनका भी निपटारा किया जाए। सबसे एक बड़ी अहम जो है सबसे बड़ी यह है कि हमारे यहाँ पर जो है अभी तक कोई भी बारात घर नहीं बना है, जबकि मैं खुद मुख्यमंत्री योगी जी को एक लेटर भेज चुका हूँ, एक हमारे चौधरी कंवर सिंह तंवर जी को भेज चुका हूँ, कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी को भी भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई बारात घर के संबंध में उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं लिया है। तो मैं चाहता हूं कि जो है एक बारात घर का भी आयोजन किया जाए ताकि गरीब हमारे जो भाई बंधु हैं वो अपनी बेटियों की शादी उस बारात घर के माध्यम से कर सकें।